Hello and welcome. Welcome back to the 5.0 Research Center. My name is Mukesh Yadav and we are going to discuss about agriculture engineering. In agriculture engineering, this is the fourth lecture on agriculture engineering. And this is very important part for IBPS, AFO, NABARD examination, pre-PG, rural development officers in MP जो exams होने वाले हैं, December में जो exams होने वाले हैं, as well किसी भी university के लिए जो agriculture universities के लिए exams होते हैं, entrance exam, ICAR चाहे exam ले रही है, या JRF या फिर SRF का, as well हम बात करें जिसमें engineering आनी, तो complete part को हमने cover किया है, तो अब बाकी lectures, first lectures में history हो गया हमारा, स्टेट ऑफ फार्म पावर, करंट अफेयर्स जो हो गए, और तो इसके बाद में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इंजन ऑन स्ट्रोक बेसिस हमने डिस्कस किया थर्ड लेक्चर में. फोर्थ में हम डिफरेंस बिटवीन डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग लेस टाइम. फर्स्ट वन डीजल इंजन ऑन सेकेंड वन यू कैन सी द पेट्रोल इंजन. सो वॉट इज द डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन. सो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह का फॉर्मेशन होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. जैसे डीजल इंजन की बात किया तो उसमें पहले इंजन में गैस का फिल होगा, गैस में कंप्रेशन होगा, जब गैस का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब उसमें फ्यूल का इंजेक्शन होगा, देन ब्लास्ट होगा और पावर जनरेट होगा. वहीं पर पेट्रोल इंजन की बात करें, गैस का मिक्सर जो कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर में गैस और फ्यूल का मिक्सर होता है, मिक्स होने के बाद में वो सिलेंडर में पहुंचता है, सिलेंडर में स्पार्क प्लग लगा होता है, वो स्पार्किंग का काम करता है और ब्लास्ट होता है और पावर जनरेट होता है, पिस्टन पे पावर जनरेट होगा. गॉट इट. सो दीज आर द डिफरेंसेस ऑन स्ट्रक्चर बेसिस. गॉट इट. सो हियर वी विल डिस्कस फर्स्ट वन, इंजन वेट पर एचपी इज हाई. If we discuss about diesel engine, then engine weight per HP is high and engine weight per HP is low of petrol engine. Second one is only air is sucked in cylinder in suction stroke and mixture of fuel and air sucked in suction stroke. Got it. So if we already discuss about the air is sucked first and then pressure of air would be around 40 kilogram per centimeter square and temperature of air in the cylinder would be 500 degree Celsius. At that time, at that moment, the spray of diesel would be kept on spread on the gas and then it would be blast. Got it. So third one is no carburetor, ignition coil and spark plug required in diesel engine, but carburetor to mix gas or petrol and fuel, ignition coil to produce a light and spark, and spark plug to produce spark are required in petrol engine. In next, compression ratio range 14 is to 1 to 22 is to 1 in diesel engine, but 5 is to 1 to 8 is to 1 in petrol engine. जो compression ratio होता है किसका, फ्यूल का और गैस का. अगर गैस डीजल इंजन में 14 to 22%, अगर हम 22% की अगर हम बात करें तो क्या होता है, एयर होती है, 1% फ्यूल होता है. दैट मींस फ्यूल, गैस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्यूल. फ्यूल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस है, इसलिए गैस ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए प्रॉपर गैस की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके बाद में फ्यूल की रिक्वायरमेंट्स होती है. गॉट इट. नेक्स्ट वन, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो. डीजल इंजन की हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलवेज लो होती है. सो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑलवेज लो एंड देन ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई इन द, यहाँ पे पेट्रोल महंगा हो गया. और सेकंड अगर फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे जो माइलेज होता है किसी भी पेट्रोल इंजन का
वो कम होता है, दैट्स वाई द ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी इंक्रीज. एंड लास्ट वन इज कंप्रेशन प्रेशर. कंप्रेशर प्रेशर इन साइड द इंजन वुड बी 35 to 40 kg/cm², एंड द टेम्परेचर वुड बी 500°C. गॉट इट. एंड इन पेट्रोल इंजन द कंप्रेशन प्रेशर्स इन साइड द सिलेंडर वेरी फ्रॉम 10 kg/cm². The temperature would be 260°C. Got it? Next one, here you can see there are different part of engine. First engine you can see this is the diesel engine, and that is the second one is petrol engine. यहाँ पे देखिए, देखिए इसके अगर मूवमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको कुछ स्प्रे दिख रहा होगा. यहाँ पे स्प्रे इस जगह पे, मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा इसका मूवमेंट बंद हो जाएगा. इस मेरे जो मैं स्क्रीन जो क्रॉल है इस पे देखिए मैं कहाँ पे ले जा रहा हूँ. फर्स्ट इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लेफ्ट वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ. ये डीजल इंजन है, डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ. यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वॉल्व लगे होते हैं, इसमें भी वॉल्व है, कोई डिफरेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि ये फोर स्ट्रोक इंजन है, ये फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, सेकेंड वाला फोर स्ट्रोक डीजल इंजन है, इसलिए वॉल लगे हुए हैं. यहाँ पे एयर का पहले अंदर आना, एयर डीजल इंजन में एयर इंटैक्ट करती है, एयर का अंदर आती है, सिलेंडर के अंदर आती है. जैसे ही एयर अंदर आई और एक वॉल बंद हो जाएगा और पिस्टन ऊपर आएगा, टेम्परेचर 500°C होगा एयर का. उस टाइम पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्प्रे, देखिए स्प्रे सा छोड़ा जा रहा है इंजेक्ट के थ्रू, फ्यूल इंजेक्शन के थ्रू, कंप्रेस्ड एयर फ्यूल इंजेक्शन के थ्रू क्या छोड़ा जा रहा है, ये देखिए स्प्रे, आपको स्प्रे दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए स्प्रे दिखाई दे रहा है, स्प्रे छोड़ा जा रहा है किसका, फ्यूल का. डीजल इंजन में स्प्रे दिया छोड़ा जाता है फ्यूल के ऊपर. और वहीं पे पेट्रोल इंजन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहले तो गैस इनलेट हो रही है. सेकंड वाली पिक्चर की बात की, देखिए गैस जा रही है, यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है आपका फ्यूल छोड़ने के लिए, पेट्रोल छोड़ने के लिए. अब इस जो इनलेट होता है इसमें पेट्रोल मतलब सिलेंडर में क्या गया, पेट्रोल और एयर दोनों साथ में जाती हैं, अलग अलग नहीं जाती, साथ में जाती हैं. इसके बाद में यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट पॉइंट पे और टॉप पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, इस वाले पॉइंट पे देखिए ब्लास्ट होता हुआ दिखाई देगा, इग्निशन दिखाई देगा, चिंगारी जिसको बोलते हैं. यहाँ पे तो आपको स्प्रे दिखाई दिया, यहाँ से देखिए स्प्रे निकलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस वाले पार्ट में इग्निशन दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको स्पार्क प्लग भी हम बोलते हैं. तो इग्निशन की वजह से जो फ्यूल होता है अंदर, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल और गैस होता है, वो ब्लास्ट होगा. जब उसका टेम्परेचर 260° हो जाएगा तब ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट होने पे पिस्टन पे पावर जनरेट होगी. गॉट इट. तो यहाँ पे एक मिनट मैं पिक्चर को बैक करता हूं. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इरेज कर देना चाहिए मेरे को, अदरवाइज आप लोगों को दिखाई नहीं देगा. तो यहाँ पे इसका मूवमेंट और वर्किंग कैसे, हाउ टू वर्क, ये यहाँ पे देख सकते हैं. ऊपर वाले पार्ट को अगर मैं इस वाले पार्ट को बात करूँ तो ये होता है टाइमिंग गियर का पार्ट होता है, जो टाइम पे वॉल्व को ओपन करता है, वॉल्व को क्लोज करता है. तो टाइमिंग गियर का क्या काम होता है, वॉल्व को ओपन करना और क्लोजिंग करना. ठीक है, नीचे क्रैंक सोपट आपको दिखाई दे रही है, क्रैंक सोपट और पिस्टन क्रैंक सोपट से जो अटैच है उसको क्या क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग रोड कहा जाता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ इंजन एंड देयर फंक्शन, कौन सा पार्ट कैसे फंक्शन करता है. पहले हम सिलेंडर की बात करते हैं. यहाँ पे एक सिलेंडर, दो सिलेंडर, तीन सिलेंडर, चार सिलेंडर दिख रहे हैं. सेम अपोजिट साइड में इधर भी आपको एक सिलेंडर, यहीं पे चार सिलेंडर. ये 8 सिलेंडर इंजन है, इसका मतलब ये हैवी जो ट्रक वगैरह है उसका इंजन है, इसलिए इसमें 4 सिलेंडर इंजन इसको कहेंगे हम. यहाँ पे इस वाले पार्ट्स में क्रैंक सोपट लगता है, इस वाले बाकी रेस्ट पार्ट में अदर इंस्ट्रूमेंट लाइक टाइमिंग गियर और वाटर जो फ्लो के लिए पाइप यूज़ की जाती हैं. सो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज सिलेंडर, प्रोवाइड्स कंबसन स्पेस, जो जलने के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाता है. इस वाले पार्ट्स को हम सिलेंडर कहा जाता है, जिसमें पिस्टन का मूवमेंट होता है. ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, इंक्लूडिंग सिलेंडर हमने बात किया, एज वेल वाटर जैकेट इसके ऊपर वाटर जैकेट्स जो लगे होते हैं, जिसमें पानी का फ्लो होता है और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है पानी की वजह से, वाटर की वजह से टेम्परेचर उसका मेंटेन होता है क्योंकि वाटर का फ्लो होता रहता है.
थर्ड वन सिलेंडर हेड की बात करें इंक्लूडिंग द कंबर्सन, कंबर्सन दैट मीन्स पिस्टन, जिसमें पिस्टन मूवमेंट करते हैं सिलेंडर, चैम्बर, इसमें चैम्बर इंक्लूडिंग स्पार्क प्लग आ गए और वॉल्व आ गए, वॉल्व या स्पार्क प्लग सारा जो इसका ऊपर का हेड आ गया कंप्लीट मिलाकर इसकी बात करें तो सिलेंडर हेड होगा, ऊपर वाला कंप्लीट पार्ट और सिलेंडर का कंप्लीट पार्ट मिलाकर इट विल बी कॉल्ड सिलेंडर हेड. In the third pictures, you can see separate part of engine. Second, यहाँ पे exhaust part होता है, इसमें इससे बाहर क्या निकलता है, धुआं बाहर निकलता है. Same अगर part की बात करें यहाँ पे intake part होता है, इसमें अंदर air का flow होता है. यहाँ पे चार cylinder वाला engine है, इसमें एक cylinder, दो cylinder, तीन cylinder, चार cylinder. दिस वन थ्री टू, दिस वन थ्री एंड दैट वन फोर. तो यहाँ पे एक वो टू थ्री और फोर आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एयर अंदर आएगी और इधर से क्या होगा, ये डीजल इंजन का पार्ट है और यहाँ पे से जो जला हुआ मटेरियल बाहर जाएगा. इसके ऊपर आप यहाँ पे ये वाला पार्ट वन देन टू एंड देन थ्री एंड फोर, ये आप देख रहे हैं, ये होते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन जिस जो फ्यूल में फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं सिलेंडर के अंदर जब एयर का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है एट दैट टाइम. गॉट इट. यहाँ पे डिफरेंट रिंग्स आप देख रहे हैं जो इनको सेपरेट करने के बाद में वापस कनेक्ट किया जाता है, तो इसमें जो स्पेस होता है उसको मेंटेन करती हैं. और ये कंप्लीट पार्ट इसको आप दिखाई दे रहा है, ये टाइमिंग, ये जो टाइमिंग गियर होता है इसका पार्ट हो गया, क्रैंक सॉपर जिसको पुली हम बोलते हैं और नीचे क्रैंक सॉपर से कनेक्टेड होता है ये, वो टाइमिंग गियर की पुली नीचे वाली, ऊपर वाली इसमें चैन लगी होती है. गॉट इट. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. सेम एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें टाइमिंग चेन भी दिखाई दे रही है और ये पिस्टन हो गया, क्रैंक सॉपर हो गई, इस वाले पार्ट को मैं पिक्चर में, ये पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रोड हो गया, ये क्रैंक सॉपर हो गया, ये टाइमिंग गियर का पार्ट हो गया, ठीक है, ये वॉल्व का पार्ट हो गया, एक पार्ट ये एग्जॉस्ट हो गया, ये इनटेक हो गया, इसमें फ्यूल का मिक्सचर होता है, ये किसका है, बाइक का इंजन है. यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बाइक का इंजन रखा गया है, इसमें स्पार्क प्लग आप अलग से देखते हैं, स्पार्क प्लग बाइक में साइड में होता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा. देन पार्ट्स ऑफ इंजन की हमने बात की, तो पार्ट्स ऑफ इंजन में पिस्टन भी पार्ट आता है. यहाँ पे आप पिस्टन देख सकते हैं, ये कंप्लीट क्या है, पार्ट पिस्टन का पिस्टन है, इस वाले पार्ट, इसको पिस्टन कहा जाता है, कंप्लीट को पिस्टन नहीं कहा जाता. विच वन इज द पिस्टन पार्ट, लेट मी क्लियर फर्स्ट, दिस इज द ओनली पिस्टन From that place to this place. ये piston कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, piston. This is connecting road and these are three ring which is used on piston. ये piston की जो आपने slides देख रहे हैं, यहाँ पे piston rings use की जाती हैं जिसमें oil को नीचे आने से, pressure से जब oil नीचे ना आए या gas का flow side में ना होना चाहिए, piston पे proper pressure रहे, piston जल्दी ना घिसे, इसके लिए piston ring, जो piston पे rings use की जाती हैं. So what is the piston? Inside liner एंड ट्रांसमिट एक्सपेंशन गैसेस पावर टू कनेक्टिंग रोड. जो पावर यहाँ इसके ऊपर जनरेट होती है वो कहाँ ट्रांसमिट करता है, कनेक्टिंग रोड पे, और कनेक्टिंग रोड किससे, क्रैंक सॉपर से कनेक्ट होती है. देन पिस्टन रिंग इज इट फॉर्म टाइटली कंबर्सन चैम्बर फॉर एंड पिस्टन. देन थर्ड वन इज पिस्टन पिन, पिन यूज टू ज्वाइन कनेक्टिंग रोड एंड पिस्टन. ये यहाँ पे पिस्टन पिन यूज होती है जो रोड को कनेक्ट, पिस्टन को कनेक्ट करने का काम करती है. देन कनेक्टिंग रोड, देन इज कनेक्टिंग रोड ट्रांसमिट द पावर ऑफ कंबर्सन टू द क्रैंक सॉपर, मेक इट रोशन कंटिन्यूसली. इसको क्या बनाती है, क्रैंक सॉपर को राउंड प्रोवाइड करवाती है. देन वॉट इज क्रैंक सॉपर, मेन सॉपर ऑफ एन इंजन विच कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन. इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी कह सकते हैं, क्यों, ऊपर से जो नीचे मोशन चलता है किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है. अगर हम मोशन की बात करें तो मान लीजिए ये पेन है, देखिए एक तो पेन राउंड सर्किल में घूम रहा है, राउंड सर्किल में इस तरह ये पेन घूम रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा. अगर ये घूम रहा है राउंड सर्किल में, विच इज
कॉल्ड रोटरी मोशन, रोटरी मीन राउंड में घूमना। लेकिन जब ये पेन ऊपर से नीचे जा रहा है, या इसको कहते हैं रेसिप्रोकल सिचुएशन, या इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, जैसे ऊपर से नीचे जाना वर्टिकल टाइप में जब मूवमेंट करना, या फिर रेसिप्रोकल मोशन में कह सकते हैं कि जो लेफ्ट राइट जब ये जाता है, या फ्रंट टू लेफ्ट बैक जाता है, फ्रंट टू जब बैक चलता है लेफ्ट राइट, या इस तरह भी ये मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट। ओके, जब ये मूवमेंट करता है राउंड शेप में, जब ये मूवमेंट करता है फ्लाईव्हील व्हील में, जैसे पंखे की तरह घूमता है, विच इज कॉल्ड रोटरी मोशन। सो क्रैंक सॉपट क्या करती है, क्रैंक सॉपट रेसिप्रोकल या जो मोशन होता है, परपेंडिकुलर जो मोशन होता है, उसको कन्वर्ट करती है रोटरी मोशन में, या लाइक फ्लाईव्हील मोशन में कन्वर्ट करती है। पीछे फ्लाईव्हील लगा होता है, देन टाइमिंग गियर कंट्रोल द टाइम ऑफ इग्निशन, कब जलना है सिलेंडर में फ्यूल का, द टाइमिंग ऑपरेटिंग टाइम क्लोजिंग टाइम ऑफ वॉल्व ऑफ टू, जो फ्यूल का कब टाइमिंग होता है, कब उसमें इंजेक्शन होगा ये, और इंजेक्टिंग टाइम भी ये मेंटेन करती है। तो टाइमिंग गियर का क्या काम होता है, टाइमिंग का काम होता है कब फ्यूल इंजेक्ट होगा, कब फ्यूल कब कौन जो एग्जॉस्ट वॉल्व होगा वो उसको ओपन करना है, ये सब चीज़ें टाइमिंग गियर का वर्क होता है। सेकंड, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये आपको पिस्टन दिखाई दे रहे हैं, एज वेल आपको टाइमिंग गियर भी दिखाई दे रही है। ये पार्ट्स टाइमिंग गियर का पार्ट होता है, ये कंप्लीट पार्ट, ठीक है, ये पार्ट टाइमिंग गियर का पार्ट, ये फ्लाईव्हील है, इसको फ्लाईव्हील भी हम कह सकते हैं। नीचे क्रैंक सॉपट हो गया, ये वाला पार्ट कंप्लीट टाइमिंग गियर का पार्ट हो गया, ये टाइमिंग चेन होगी, टाइमिंग पुलीज होंगी, और यहाँ पे ये वॉल्व हो गए, ये सारे इसके वॉल्व हो गए, और ये वाला पार्ट इसका फ्यूल इंजेक्शन के लिए जो इंजेक्टर्स हो गए, गॉट इट। थर्ड पे हम चलते हैं, इंटेक मैनिफोल्ड। इंटेक मीन्स एयर को या फ्यूल को, मिक्सर ऑफ एयर या फ्यूल को इनसाइड में लेना। इंटेक मैनिफोल्ड्स पार्ट थ्रू विच एयर एंड फ्यूल, एयर फ्यूल मिक्सर एंटर इनटू इंजन सिलेंडर, दैट इज इंटेक। एग्जॉस्ट मीन्स पार्ट थ्रू विच एग्जॉस्ट गैसेज गोज आउट ऑफ इंजन ऑफ सिलेंडर, जो जला हुआ मटेरियल होता है वो बाहर जाता है, वो क्या कहलाता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। फ्लाईव्हील स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक, जब पावर झटके से एकदम से पावर लगता है, पिस्टन नीचे आता है, उसे एनर्जी को ये कैच करता है। रिटर्न द सेम एनर्जी ड्यूरिंग द आइडल स्ट्रोक, और यही एनर्जी पिस्टन को प्रोवाइड करवानी है, या पीछे मशीन वगैरह लगे होते हैं, टायर लगे होते हैं, उनको प्रोवाइड करवानी है सेम जो एनर्जी। तो इट मेंटेन द प्रॉपर मोशन ऑफ क्रैंक सॉपट एंड पिस्टन एट द टाइम ऑफ हैवी लोडेड, जब मान लीजिए पीछे ट्रॉली लगी होती है या कल्टीवेटर लगा होता है ट्रैक्टर को, तो झटके जो लगते हैं वो पिस्टन पे ना जा पाए। अगर पिस्टन पे झटके लग गए, वो सेम झटके पिस्टन पे लगे, तो पिस्टन टूट जाएगा, क्रैंक सॉपट टूट जाएगी, तो इसलिए वो सेम झटके ना लगे, इसलिए बीच में फ्लाईव्हील होता है। फ्लाईव्हील की पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ये सेम एक फ्लाईव्हील है। ये कॉमन इंजन में आप जो वाटर लोडिंग वाले इंजन होते हैं, वाटर लिफ्टिंग वाले इंजन होते हैं, फार्म पे लगाए जाते हैं, उनमें दो आप फ्लाईव्हील देखते हैं, ये फ्लाईव्हील नॉर्मल फ्लाईव्हील है, तो ये फ्लाईव्हील आप कॉमन देखते हैं, इस फ्लाईव्हील को आप कॉमनली देखते हैं किसी भी इंजन में जो बाहर फार्म पे लगा हुआ रहता है। लेकिन ये फ्लाईव्हील्स मशीनरी ट्रैक्टर या हम कह सकते हैं ट्रक वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, तीनों सेम पार्ट होते हैं। और फ्लाईव्हील के बाद में क्या आता है, क्लच आती है, जो क्लच फ्लाईव्हील को सेपरेट करती है गियर बॉक्स से, ठीक है। तो फ्लाईव्हील के बाद में क्या आता है, गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स के फ्लाईव्हील के बीच में क्लच आती है, जो इनको सेपरेट करने का काम करती है। यहाँ पे आप स्प्रिंग देख रहे हैं, ये स्प्रिंग की सहायता से लोड को, झटकों को सहा जाता है, कम या ज़्यादा किया जाता है, ज़्यादा तो क्या किया जाएगा, झटके जो लगते हैं उसको मेंटेन किया जाता है मोशन को, जो ये स्प्रिंग लगी होती है इसके थ्रू, वो कहाँ पे लगी हुई है, व्हील्स में लगी हुई है, गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट को, जो अदर पार्ट्स बच गए, कैलकुलेशंस बच गई ट्रैक्टर की, तो उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे आप, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियोज़ आपको नहीं मिलने वाले, तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ में या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, तो मोर पीपल्स तक ये, मोर स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके, और उनको नॉलेज जो अपना या उनको कंटेंट मिल सके एग्ज़ाम के लिए। मैं यहाँ पे कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने नहीं वाला है। सो प्लीज़, मैंने अपना काम कर दिया, एफर्ट लगा दिया, अब आपका काम है, आपको एफर्ट लगाना है, और इसको शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब करना है, गॉट इट। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।